क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः कुंडली दर्शन के इस राशिफल विशेषांक कार्यक्रम 2022 के वार्षिक राशिफल के सीरीज में मकर राशिफल 2022 के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। पिछले के 9 वीडियो में आपने देखा कि मेष राशि से लेकर धनु राशि वालों के जीवन में क्या कुछ हो सकता है साल 2022 में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक में। और इस राशि कार्यक्रम में आज जानेंगे क्या कुछ होगा आपके साथ, जीवन साथी या मित्रों से बनेगी आपकी बात या फिर हो जाएगा कोई बहुत बड़ा विश्वासघात। क्या कहते हैं सितारे आपकी राशि को लेकर, क्या कुछ है ग्रह और नक्षत्रों के इशारे। साल 2022 में क्या कुछ होगा मकर राशि वालों के जीवन में कमाल, इसी संदर्भ में इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे जनवरी से। यदि आप सभी दर्शकों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर आप देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे देखें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में बेल आइकॉन का जो बटन है उसे भी आप जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको इस चैनल पर होने वाले हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए बात करते हैं जनवरी के महीने से। जनवरी की यदि बात करें तो आरंभ से ही इस राशि पर बुध और शनि का संचार रहने से आपके काम धंधे में बहुत अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में उन्नति के कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में नौकरी करते हैं तो वहां पर भी आपको प्रमोशन के कुछ चांसेस या धन लाभ के भी कुछ योग महत्वपूर्ण तरीके से आपको मिल सकते हैं। परंतु एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके विरोधी आपके खिलाफ कुछ साजिश करके आपके कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपका लाभ रुक जाए। इन बातों को विशेष रूप से आपको सतर्क रहना है। तारीख 14 जनवरी से हो सकता है कुछ हद तक आपके भाई बंधुओं से आपका वैचारिक मतभेद हो, तो बात करते समय अपने वाणी में मधुरता बनाए रखें। भगवान सूर्य देव की पूजा आराधना अवश्य करें और साथ में भगवान शिव का पूजन भी अवश्य करें। अब आइए बात करते हैं फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने की बात करें तो तारीख 12 तक सूर्य बुध और शनि आदि ग्रहों का संचार इस राशि पर रहने से आपके काम धंधे व्यापार इन सब में मिश्रित परिणाम मिल सकता है। कुछ मानसिक तनाव हो सकता है और धन से संबंधित कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकता है, पारिवारिक मतभेद भी हो सकता है, अनावश्यक कार्यों पर खर्च भी हो सकता है। लेकिन इन सभी विघ्न बाधाओं के बावजूद भी आपको निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति अवश्य होंगे और कई रुके हुए कार्य भी बन सकते हैं यदि आप सही तरीके से संयमित होकर अपने कार्य को अंजाम देने का प्रयास करते हैं तो। धन लाभ अन्य स्रोतों से भी मिल सकते हैं। समस्या विकट है क्योंकि कुछ ग्रहों के वजह से आपको मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है, पर आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अब आइए बात करते हैं मार्च के महीने में। मार्च के महीने की बात करें तो मंगल शुक्र शनि ग्रहों का संचार इस राशि पर रहने से आपके जीवन में कुछ अच्छे परिणाम दिख सकते हैं। अचानक से कोई धन प्राप्ति के संयोग बन सकते हैं, धन लाभ हो सकता है एवं प्रगति उन्नति के अवसर भी आपको मिलते हुए दिख रहा है। परंतु शनि देव का 7.5 रहने के कारण आपको कुछ मामलों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष करके आपको मानसिक तनाव हो सकता है और यदि आप अपने परिश्रम के दम पर अपने किसी व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कुछ रुकावट हो सकती है।
हो सकता है आप अपेक्षाकृत आपको लाभ की प्राप्ति ना हो और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ जाए। क्रोध एवं तनाव भी अधिक हो सकता है। ऐसे में करें क्या? दो उपाय। एक तो भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें सोमवार और शनिवार को। दूसरा, शनि देव को पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन तिल मिश्रित जल अर्पित करें और तिल के तेल का दिया जलाएं और साथ में ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। अब आइए बात करते हैं अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने की यदि बात करें तो तारीख 13 तक तृतीयस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि होने से आपके किसी निकट के सगे संबंधियों से आपके वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके व्यापारिक क्षेत्र में, खास करके यदि आप पार्टनरशिप का काम करते हैं, तो उसमें कुछ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ जाए। कुछ ऐसे पल भी दुखदायी गुजर सकते हैं जिसमें आपको ऐसा एहसास हो कि आपके अपने ही आपके साथ परायों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन तारीख 14 से अष्टमेश सूर्य उच्चस्थ हो जाएंगे, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन यहां भी एक समस्या यह है कि वो राहु के साथ युक्त होंगे तो एक प्रकार से ग्रहण दोष लग जाएगा, तो इस वजह से आपको उसके बाद भी स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। मई के महीने की यदि बात करें तो राशि स्वामी शनि द्वितीयस्थ यद्यपि स्वराशि गत होंगे परंतु शनिदेव के 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, जिसके फल स्वरूप आपको मानसिक तनाव, धन संबंधी समस्या एवं पारिवारिक मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसी स्थिति में आपको बहुत विवेकपूर्ण फैसले लेने के लिए शांत चित्त होकर ही फैसला करना है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि देखें 13 मई तक सूर्य आपके उच्चस्थ राशि में होंगे तो उन्नति के तो कुछ अच्छे अवसर आपको प्रदान सूर्यदेव के वजह से होता रहेगा, अर्थात कि सूर्यदेव आपको कई अच्छे अवसर लाभ के देने वाले हैं। लेकिन तारीख 14 से सूर्य पंचमस्त हो जाएंगे और मंगल से भी दृष्ट होंगे, तो सूर्य मंगल चूंकि दोनों अग्नि तत्व ग्रह है, मित्र का होने के बावजूद भी दोनों गर्म ग्रह है, तो ऐसे में आपके स्वभाव में उग्रता या आपके क्रोध में तेजी आ सकती है और हो सकता है आपका आपके भाई बंधुओं से कुछ आपसी मतभेद हो जाए, संबंधों में कुछ तनाव हो, इसलिए अपने क्रोध को आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अब आइए बात करते हैं जून के महीने। जून के महीने की बात करें तो आपके राशि स्वामी शनिदेव तारीख 4 से वक्री होने से पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति में कुछ अनिश्चितता का माहौल रह सकता है, खास करके व्यापार के क्षेत्रों में आपको अनेक प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अन्य ग्रहों के शुभ संयोग के कारण आपको निर्वाह योग्य आय और धन के साधन प्राप्त होते ही रहेंगे। कई रुके हुए काम भी बन सकते हैं यदि आप सही तरीके से फैसले लेते हैं तो। मानसिक तनाव कुछ उत्पन्न हो सकती है और भाई बंधुओं से आपको थोड़ा सा मतभेद अभी भी होने के संकेत दिख रहे हैं। स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव का आराधना करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको लाभ दे सकता है। अब आइए बात करते हैं जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने की बात करें तो शनि की चतुर्थस्थ एवं मंगल राहु पर नीच दृष्टि होने से आर्थिक उलझनों के कारण आपका मन परेशान हो सकता है। हो सकता है आपके सोचे हुए कार्यों में, योजनाओं में कुछ विघ्न बाधा की स्थिति उत्पन्न हो जाए। यात्रा करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, कोई चोट चपेट दुर्घटना की आशंका या भय भी हो सकता है। तारीख 12 से शनि पुनः स्वराशि गत स्थित हो जाएंगे और इस वजह से कितना भी कठिन परिस्थिति हो, आपको फिर से कार्यों में सुगमता प्रारंभ हो जाएगा, कार्य आपके बनने आरंभ हो जाएंगे, निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे और धन का भी अनेक स्रोतों से लाभ होने के संकेत दिख रहे हैं।
अगस्त के महीने की बात करें तो तारीख 16 तक सूर्य शनि के मध्य सम सप्तक योग होने के कारण आपके निकटस्थ भाई बंधुओं के संबंधों में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके क्रोध की भावना भी बढ़ सकती है। बेवजह के भाग दौड़ रह सकते हैं। शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। कोई फुंसी फोड़े वगैरह भी हो सकता है। तारीख 16 के बाद सूर्य अष्टमस्त होने से परिस्थितियां विपरीत ही रहेंगी। कोई बहुत ज्यादा सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में करें क्या? सूर्यदेव का उपासना करना, सूर्यदेव का जल अर्पित करना, भगवान सूर्यदेव का सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करना आपके लिए बहुत ही रामबाण उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं सितंबर के महीने की। सितंबर के महीने की बात करें तो राशि स्वामी शनि वक्री जरूर रहेंगे, लेकिन कुछ नए नए लोगों के साथ आपका मुलाकात हो सकता है। आपके संपर्क सूत्र बढ़ने वाले, परंतु हो सकता है कुछ अनावश्यक दौड़ धूप भी लगा रहे। अचानक से कोई धन का खर्च अधिक हो जाए, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। परिवार में कुछ मतभेद, क्रोध में अधिकता, स्वभाव में तेजी एवं उग्रता एवं स्वास्थ्य में कुछ कष्ट हो सकता है। तो सितंबर का महीना भी बहुत ज्यादा उत्तम नहीं दिख रहा है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम पोम सह शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना सितंबर के महीने में भी जरूरी है। अब आइए बात करते हैं अक्टूबर के महीने। अक्टूबर के महीने की यदि बात करें तो भूमि मकान वाहन आदि के सुख साधनों में वृद्धि होने के संकेत दिख रहे हैं। आपके आय के स्रोतों में भी वृद्धि होगी, अर्थात कि इनकम आपका बढ़ सकता है। देश विदेश की यात्राएं भी आप करना चाहते हैं तो यात्रा होने के योग बन रहे हैं। घर में कोई शुभ कार्य होने के संकेत दिख रहे हैं कि कोई नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। किसी का शादी विवाह, घर में किसी नवजात शिशु का आगमन जैसे बहुत सारे खुशियां आपके समीप आ सकती है। हालांकि वहीं तारीख 17 से दशमस्त नीचस्त सूर्य पर शनि की उच्च परंतु शत्रु दृष्टि रहने से हो सकता है कोई आपका बना हुआ काम बिगड़ ना जाए। तो ऐसे में आपको अपने कामों को बहुत बारीकियों से अध्ययन करते हुए ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। सूर्यदेव का पूजा अर्थात कि सूर्य नमस्कार, सूर्यदेव को अर्ध और पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा निरंतर जारी रखें, इस महीने भी यह आपके लिए उत्तम रहेगा। अब आइए बात करते हैं नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने की बात करें तो मानसिक तनाव, गुप्त परेशानियां तथा आपके आसपास के करीबी निकट बंधु बांधवों से आपका मन मुटाव भी किसी बात पर हो सकता है। घरेलू एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में भी कुछ समस्याएं, कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। क्रोध एवं उत्तेजना यदि आप अधिक करेंगे, जो कि संकेत है कि हो सकता है आपके अंदर क्रोध की अधिकता, तो आपका कोई बना हुआ काम भी बिगड़ सकता है। तो इसलिए क्रोध को इस महीने भी आपको नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है और अपने वाणी में मधुरता बनाए रखें, तभी आपका कार्य संपन्न होगा। अब आइए बात करते हैं दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने की बात करें तो शनि देव की 7.5 तथा बुध शुक्र का द्वादश योग रहने से धन लाभ एवं उन्नति के तो पर्याप्त अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है आप इस अवसर का समुचित लाभ ना उठा पाए। हालांकि आपके बिगड़े हुए कार्यों में धीरे धीरे सुधार होने के संकेत दिख रहे हैं। पारिवारिक वातावरण कुछ बेहतर होगा, परंतु आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई शत्रु कोई विरोधी आपके खिलाफ साजिश भी कर सकते हैं। घर परिवार में कुछ शुभ कार्य होने के संकेत भी दिख रहे हैं। भूमि मकान वाहन आदि के सुख सुविधाएं भी आपको प्राप्त हो सकती है। प्रेम संबंध को नया नाम मिल सकता है। घर में कोई नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। कुल मिलाकर ये साल 2022 में कुछ मिश्रित परिणाम ही मिलते हुए दिख रहे हैं। दर्शकों, आपको कैसा लगा कार्यक्रम? अपना बहुमूल्य सुझाव इस चैनल में
वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कुंडली दर्शन यूट्यूब चैनल पर आप रात में कुंडली दर्शन लाइव शो देख सकते हैं 10 बजे। अपना कोई भी सवाल आप लाइव में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।